Madam, now we are resorting to more sensible eating. That is one thing. And quality of life has improved like anything. Both physically and mentally, we are very, very comfortable now. And approach to life, we are having a very positive approach to life. Especially quality affirmations, whatever Madam is teaching here, and whatever interactions we are having with her, we are having wonderful benefits. Especially as our Agarwal has said, I am one with universe. That is one thing is very, very inspiring for us. And nowhere we are getting this type of work. Yoga is taught in this manner. It's a very holistic approach. And I'm sure all of you will get benefit. And I'm sure, in fact, I stopped medicines 3 years before. 3 saal pehle my medicine lena band kiya apne aap. Abhi lane ke baad zarurat hi nahi padegi. I'm telling you, all of you, I assure all of you will be free from the health problems. And you have wonderful benefits. It's all a great day. We will all celebrate yoga. इंसोमनिया भी सर का ठीक हो गया है. मैंने गुल मोहम्मद सर को स्पेशली इसीलिए बुलाया है कि उनको पता लगे कि योगा से क्या होता है. वो जिम में नहीं मिल पाता आपको इंसोमनिया, ब्लड प्रेशर आपकी ये सारी चीज़ें. तो सर को इंसोमनिया की प्रॉब्लम थी, हार्ट पल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी, माइंड रिलैक्स रहना ये सबके साथ प्रॉब्लम है. आपका माइंड रेस्टलेस रहता है तो इससे बहुत रिलैक्स हो जाता है आपका माइंड. प्लीज आप अपना माइक यहाँ रख के बोलना, नहीं तो पीछे आवाज नहीं जाएगी. यही स्टिक रखना, यहाँ ले जाओगे तो नहीं आवाज. मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. रीति मैडम, आपका टैबलेट. परफेक्ट परफेक्ट. आफ्टर जॉइनिंग द क्लास आई लॉस्ट 4 केजीस ऑफ वेट. नानो 4 केजी कमी आगे वेट. वेरी गुड. बॉडी माइंड बहुत रिलैक्सेशन मिला था. ब्रीथिंग एफिशिएंसी इंप्रूव एंड कराटे स्नोरिंग बताइए. मेरी तारीफ मत कीजिए. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. माय नेम इज मूर्ति. आई एम इधर लोकल बैंगलोर कंट्री का हूँ. मेरे को हिंदी और इंग्लिश दोनों अच्छे से नहीं आता है. मेरे साथ में नॉनवेज चलता है मगर बचपन से मैं नॉनवेज नहीं खाया हूँ. और ड्रिंक्स भी नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं है. फिर भी मेरे को 10 साल पहले मेरे को बीपी है, शुगर है मालूम पड़ा. वो भी हाई बीपी 180 और 120, शुगर आरबीएस 350. डॉक्टर ने कहा ऐसा हो गया तो स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, आंख बंद होता है, किडनी फेल होता है. वो मेरे को ये बात मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ. डेली से गोली जो बीपी का था, शुगर का बीपी का जो सुबह शुगर का रात जो एक हफ्ते मेरा इंस्टाग्राम 40 से आ गया. और 50 मिनट्स में
अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 2000, 10 साल में 20,000 के ऊपर टैबलेट मैंने खाए हैं। मेरे को बीपी और शुगर मालूम पड़ा था ना, डॉक्टर ये सभी ये बोला, मेरे को ये ताक अंदर आ गए हैं, मैं सीनियर सिटीजन नहीं बन पाऊँ। 60 के अंदर मेरे फोटो पे माला जरूर आता है, ये रियल है ताक आया। मेरे को टूर करने का बहुत शौक था, 60 के बाद में सभी सोचता है ऐसे, मेरे को जल्दी आ गया ना ये बीपी और शुगर, क्या करो, जल्दी देखना सबको। कन्याकुमारी से लड़ाक तक लेके आया है ये 20 साल में, इसमें दो बेनिफिट, मेरा मांग पूरी होता है और उधर सब कन्याकुमारी काशी हरिद्वार ऋषिकेश वैष्णो देवी तब तो जाए तो मैं ठीक हो जाता हूँ, गंगा में डूब के आ गए तो ठीक हो जाता हूँ। दो आगे नहीं तो देख के आ गए ना, मेरा मांग पूरी हो गया। लास्ट ईयर जुलाई 16 में अमरनाथ गया था, सभी कहाँ गया तो भी पहली मांग मेरा बीपी शुगर नॉर्मल था। 10 साल में पहली मांग अलग अलग मांग रहते हैं, पहली मांग बीपी और शुगर। जब अमरनाथ को जाके आ गया, मैं 10 साल से इधर वॉकिंग कर रहा हूँ, पूरा इधर आके उधर फोर्ट के सामने जा रहा था, एक सैटरडे मैं इधर आया, मैं और मैं भी अगस्त एंड में, लास्ट ईयर अगस्त एंड में इधर बोर्ड लगा था, एक लड़की योगा कर रहे थे, देखने में अच्छे हैं। रफ्तार जैसा बॉडी बेंड कर रहा है, देखे एक बोर्ड देखा, पहले देखा फ्री। चले जाते बाद में योगा प्राणायाम लाफ्टर योगा फेशियल योगा बेनिफिट्स था। प्रभा देवी का बीपी सुरेश सर का टैबलेट खत्म, एक देखने बाद मेरे को एक कहानी याद आया, उसी वक्त तीन मछली पकड़ने वाला मछली पकड़ने के लिए छोटा सा बोट में समुद्र में जा रहा था, उसमें एक आदमी बहुत भक्त देव भक्त था, एक बड़ा तूफान आ रहा था, वो दोनों तीनों को स्विम आ रहा था, दोनों स्विम करके इधर आए थे, इसको भी पूछा था भक्त, ओ नहीं मेरे को भगवान बचाता है सोच के वो बोट में बैठा था। वो दोनों इधर आ गया, तूफान भी आ रहा था, उन्होंने भगवान को पूछा मेरे को बचाओ, एक बड़ा शिप पार्ट को बेचा था क्यों नहीं लेके आ गया। ये बोट देख के एक कहानी मेरे को आया है, भगवान ने मेरे लिए 50 जन को बचाया है। अगर मैं इसका नहीं पकड़ तो जरूर माला आता है। फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन मैं इधर आके 5:30 को आता हूँ, 5:30 को आता हूँ, 15 मिनट्स अनुलोम विलोम ऑन करता हूँ, 20 to 25 मिनट्स कपाल बातें करता है और योगासन करता है, घर में भी कपाल बातें करता है, डेली मिनिमम 6,000 पॉइंट्स कपाल बातें करता है, इसीलिए मेरे को बेनिफिट हुआ है, मैं 4 महीने से एक टैबलेट भी नहीं खा रहा हूँ। मेरा
6 टैबलेट्स और एक भी नहीं था, बीपी शुगर नॉर्मल है और मेरा वेट भी 16 किलो कम हुआ है। 16 किलो मैं जब इधर आया था मेरा पेट ऐसा था, मेरा बाहर अंदर सभी नेगेटिव थॉट्स बना के मैं पत्थर जैसा था, लिटरली मैडम ने मेरे को मूर्ति बनाया। जीती जाती मूर्ति, मूर्ति बनाया है। सभी इधर आई है, इधर 5:30 में आई है, फ्रेश ऑक्सीजन, इंसुलिन, गुड थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जी सभी मिलता है। आईसीयू में जाके ऑक्सीजन इंसुलिन पैसा दे के बिस्तर पे पढ़ के लेने के पहले इधर आके आप सब इस बेनिफिट ले लीजिए। प्रीति मैम को थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आपका टू इज दोनों बहुत हाई था, 4 मंथ्स में नॉर्मल हो गया, कंट्रोल नहीं हो गया, क्योर हो गया। मैं फिर बोलती हूँ, लोग सोचते हैं कि कंट्रोल होता है, कंट्रोल नहीं होता, क्योर होता है। ओके नमस्कार, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದು ನೋವಿತ್ತು, ಇಮ್ಮಡಿ ನೋವಿತ್ತು, ಎದ್ದೋಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಡಿ ತುಂಬ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೋಯಿತು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಹೋಯಿತು, ವೆಯ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, 8 kg ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿ ಹವ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ರಿ, ದಿನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ। हेलो, मेरे को योगा तो आज 28 डे हो गया रेगुलर, पहले मैं आता था कभी कभी, लेकिन 10 डेज के अंदर इतना फर्क पड़ा है मेरे बॉडी में, और सब इतना पहले मेरा दिमाग भी बहुत हल्का हो जाता था और किसी को भी झगड़ा कर लेता था, वो तो नहीं, 10 डेज में तो पूरा बंद हो गया है, और अभी और कहीं हो रहा है, और मेरे को नींद भी रात को नहीं आता था, रात को 11-12 बजे सोता था, तो भी 5 बजे उठना पड़ता था, लेकिन अभी 11 बजे सोता हूँ और सीधा 4 बजे उठता हूँ, और वो नींद अच्छा आ रहा है पहले से ही, और योगा करने से पूरा बॉडी मेरा सही हो गया है, दिमाग सही हो गया है, हमारा टोटल मूड वो सब चेंज हो गया है, अभी इतना बस कम हुआ है, वो सब लोग देख रहे हैं मेरे को, और इसीलिए मैं अभी पहले 5:30 आता था, अभी 5 o'clock आने लगा हो, इसलिए बोलता सबको सब योगा करो और अपना बेनिफिट लियो ही जैसे। बहुत अग्रेसिव थे, मैं योगा के लिए बोलती थी मुझसे ही गुस्सा करते थे, अब अग्रेसिव से हैप्पी मोड में आ गए। योगा देखिए, अभी आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आप सबको शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि योग और प्राणायाम का अभ्यास करती हूँ, रोज योग करने वाले लोगों के लिए योग अच्छे अभ्यास है, ये स्वास्थ्य और जीवन शैली और हमें सब जीवन शैली के लिए बेहतर जीवन जीने में सहायता करते हैं। और आप सब प्लीज़ इधर आइए, मैम का क्लास ज्वाइन कीजिए, और मैं बहुत लकी हूँ कि प्रीति मैम जैसी टीचर मुझे मिला है, मैं एक क्लास में 11th मंथ आ रही हूँ, तो फर्स्ट योगा डे, ये फर्स्ट मेरा योगा डे है, मैं चाहती हूँ कि हर साल मैम और ऑल योगी के साथ मैं योगा डे सेलिब्रेशन करूं, और लव यू मैम, लव यू ऑल योगी। मेरा बेनिफिट है, मेरा वेट लॉस हुआ 16 kg, मैं पहले 80 kg था और अभी 64 हुआ, और एनर्जी पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा रहता है, और सबसे बड़ी बात जीतू के जैसा बोल रहे हैं, मेरा नींद अभी बहुत अच्छे आते हैं, और बस मैं अच्छी हूँ, और प्लीज आप आइए क्लास ज्वाइन कीजिए। मैडम ओनली वन थिंग, द बेस्ट मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ योर्स इज हियर, शी इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, शी सो करेक्ट ना, थैंक यू एंडी सर जो मुझे एक क्लास में लेकर आए, थैंक यू। नीला जी, सीनियर यही बैठी बोलते जी, आपका ब्लड प्रेशर, आपका जो ब्लड प्रेशर कितना है?
एक दो वर्ड बोल दो। ऊंचा बोलो। हेलो, मेरा नाम बुला है, मैं इधर एक साल से इधर आ रही हूँ और मेरा बीपी 190 था, अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और मैं एक साल से दिल्ली इधर आ रही हूँ। डर के आगे जीत है। करेक्ट ना, के आगे प्रीति है, डर के आगे प्रीति है। मैं आज पहले दिन आई हूँ, एक्चुअली मुझे योगा के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन मेरे घर में जिस दिन से मम्मी द कवन पार्क आना शुरू किए, स्पेशली प्रीति जी से, तब से एक दिन भी ऐसा नहीं कि वो सुस्त होते, दोपहर को रोज सोते थे, आजकल सोते भी नहीं है, शी सो लाइक घर आते लाइक स्टार्ट हो जाते काम करना, कभी ऐसा नहीं कि सैर हो वगैरह, शी इज़ हैप्पी ऑलवेज। एंड बस एक ही एक चीज बोलना चाहूँगी, She gets too much angry. I want her to control that. गुस्सा ज़्यादा आता है वो चलेगा, पर उनका जो लेवल हुआ इंक्रीज, वो एनर्जी तर एनर्जी ऑसम इट इज। She does work more than before actually. पहले इतना काम नहीं करते थे, अभी ज़्यादा करने लगे हैं इधर आने के बाद। Actually this is right. She wanted to tell something about her sugar. She stopped the tablet. She stopped the tablet from past 4-5 days and now it's in coming control. I'm really happy about it. I just want her to decrease the anger, but other than that, it's awesome. Thank you. उन्होंने तबीयत बड़ी हुई है, लेकिन बहुत डरी हुई है, क्योंकि दुनिया वालों को डरा रखा है। उस चीज़ के बारे में मेरे को जल्दी से बोला है, प्लीज़ आप अपने बेनिफिट जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। मुझे कम फॉरवर्ड। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पूजा है और मैंने ज़्यादा दिन नहीं हुए क्लास ज्वाइन करते हुए, बट जब से मैंने क्लास ज्वाइन किया है आई फील स्ट्रेस, मुझे स्ट्रेस लेवल कम हो गया है एंड पूरे दिन एनर्जेटिक रहती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। क्या हम सब चार पाँच लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं? सबकी पॉसिबल नहीं हो पाई है। राधा जी आई 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 अनुराधा जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है। इनके बोलने से पहले मैं बोल रही हूँ इनके बारे में, इनको 4 मंथ्स पहले आई थी अनुराधा जी साड़ी पहन के, उनके आईब्रोज ऐसे रहते थे। उन्होंने पूछा क्या ये क्या क्लास है, ये क्या होता है, तो मुझे इनको देखते ही लगा ये बहुत स्ट्रेस्ड है। सबसे पहले मैं इनको साइड में देखी, मैंने कहा मैं क्लास आप जैसी लेडीज के लिए ही कंडक्ट कर रही हूँ, आप आइए। मैंने कहा आपका क्या हेल्थ प्रॉब्लम है? मेरे तो पूरे शरीर में रोग है। अब इनके बेनिफिट आप नहीं पूछे, साड़ी में आती थी वो। गुड मॉर्निंग, मैंने पहले डॉक्टर जनवरी में दाखिल हुई थी, वेलबिंग लेटर को लेटी की थी। डॉक्टर ने 3 महीने तक चलना नहीं है बिल्कुल भी, लेटे रहना है, रेस्ट करना है। मैंने ओके, मैं घर पर आई, थोड़े दिन मैं यहाँ पर आई, फिर मैडम से मिली, कुदरत ने बुलवाया मैडम से मेरे को। उसके बाद मेरी आँखों का चश्मा उतर गया, बीपी नॉर्मल हो गया, शुगर नॉर्मल हो गई, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया, हार्ट में एंजियोग्राफी के लिए बोला था मेरे को, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को, हार्ट में दर्द रहता था, बहुत ठीक है मेरा। और उसके पहले कुछ क्या मिलेगा, मैं तो इनको अपना ईश्वर समझती थी जिन्होंने मेरे को ठीक करा, नहीं तो आज के रात में मैं बिस्तर पर लेटी भी होती, एंजियोग्राफी हुई भी होती, चले गले बोलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। हेलो, योगा मंदिर को नमस्कार। नमस्कार। हमारे को 1.5 साल का पहले बीपी शुगर आया, इतना टाइम नहीं आया था, टेस्ट को गया 460 आई, तुमको एडमिट करो घर को, एडमिट हो गया 5 दिन तक। अभी हमें 3 महीने हो गए इधर आके, अभी 1 महीने से 1 kg कम होया है, शुगर भी नहीं, बीपी भी नहीं, 20% है करके बोले है डॉक्टर, 1 टैबलेट ले रहा है सुबह बीपी का। अभी एक्टिव में सभी काम करता है, पहले सुस्ता बाजार को जाना आना, अभी क्या भी नहीं, आराम से काम करता है। अभी ज़्यादा काम करने कोई काम नहीं, कोई काम कर। थैंक यू। Oh,
सुरेश असरानी उर्फ जेम्स बॉन्ड। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सुरेश असरानी। आई एम सुरेश असरानी। फर्स्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ टू योर गुरु 100%। If you don't surrender to your guru, half if you surrender, then you'll suffer yourself. Be faithful and honest to your guru. 1 year, 1 month, I have done this yoga, stayed by the gurus. By the guru's blessings, I could not sit down at all. And it was madam's motivation that I could sit down and do yoga. My waist was around my weight was 120 kgs. And today it is only 85. 40 kgs I have lost. 120 to 80 kgs. 80. बिना बिना बोले माय बीपी एंड दिस थिंग बीपी शुगर डायबिटीज एवरीथिंग इज गॉन वेरी क्लोज एवरीथिंग इज गॉन एंड इट्स ग्रेस ऑफ गॉड एंड मैडम्स ब्लेसिंग्स दैट इट हैज बीन डन थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी प्यारी क्यूट सी गुरुदेव के लिए एक बार अगेन हम सब लोग सच में इतने लकी है कि हमें इनके जैसा गुरु मिला है जो हमारी हर गलती को माफ करके फिर कहता है उठे नहीं अभी तक जल्दी आओ कोई और कहता तो ठीक है सोते रहो मुझे क्या लेना देना लेकिन ये हमारे गुरु जो स्पेशल है उनके लिए हमें सबको भगवान से इतनी सारी दुआएं मांगनी चाहिए एवरीडे जितनी मांगेगी कम बढ़ेगी क्योंकि हमें एक नया जीवन इन्होंने दिया है हम हर किसी उलझन में फंसे रहते हैं प्रॉब्लम्स में रहते हैं ऑफिस में है तो 10 टेंशन घर में है तो 10 टेंशन अगर ऑफिस वाले ये सोच रहे हैं कि लेडीज लोग घर में तो आराम से सोती हैं तो ये गलतफहमी है बहुत सारे काम होते हैं इतने काम होते हैं कि बस काम वालों की तरह लगे रहते हैं पर थक जाते हैं उसके लिए हम जब यहाँ आते हैं तो हमें इतना सुकून मिलता है हमें लगता नहीं हम भी बरोबर का काम करते हैं और खुश रहते हैं पूरा दिन तक तो आप सब लेडीज जितनी भी है मैं सबसे यही कहूँगी अपने अंदर जितना अगर एनर्जी चाहते हैं तो अपने साथ और चार को भी लेके आइए उनका जीवन भी सुधारिए जैसे मेरा जीवन सुमन जी ने सुधारा है तो सबसे पहले मैं सुमन जी का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो मुझे इस क्लास में लेके आई और लाने के बाद में मेरे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सबके जीवन में होती है तो मैं यही कहूँगी कि मैं पता नहीं कौन से लेवल तक चली गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं इतनी खुश आज रह पाऊँगी या ऐसा हो सकता है मेरे जीवन में बदलाव और मेरी बेटी कनाडा है और उसको हमेशा यही टेंशन रहती है मम्मी को इतना सारा बीपी है थायराइड है और टेंशन है मेंटली पता नहीं क्या होगा तो वो बहुत टेंशन में रहती थी तो सबसे मैम का शुक्रिया था मैं इसलिए करूँगी कि उसने मुझे कहा कि मम्मी स्पेशली मेरी तरफ से मैम को थैंक यू बोलना तो आप सबको मेरे से पता चल ही गया होगा कि मेरे अंदर कितना क्या था और मैं आज क्या हूँ करके और मेरा बेटा भी जाने वाला है तो अब वो बिल्कुल बेफिक्र हो गया है कि मम्मी अकेली नहीं है मम्मी के साथ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो खुद भी योगा करती है भले एक दिन नहीं आती है लेकिन जुनून है कि नहीं मुझे आना है और करना है क्योंकि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो आ जाइए आप तो उठ जाइए कौन करेगा ऐसे कोई करता है नहीं करता है हम किसी को पैसे देते ना तो भी वो नहीं करता हमारे लिए पर इन्होंने तो अपना जीवन हमारे को ऐसे दिया है जैसे पता नहीं सच में भगवान ने एक शक्ति हम लोगों के साथ जोड़ दी है और हम सच्ची में मैं दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जैसे लोग अगर हमारे इंडिया में सच में 10 भी बन जाए ऐसी भावना वाले क्योंकि है बहुत है बहुत कराते हैं लेकिन इनके जैसे भावों से अगर हमारे साथ कोई जुड़ता है तो हम सच में बहुत लकी हैं और मेरा बीपी जो था मैं जब 22 ईयर की थी तो मेरे को बीपी प्रॉब्लम था 22 ईयर आज मैं 43 ईयर की हूँ 44 रनिंग है लेकिन मैंने आज से 6 महीने तक मैं दवाइयाँ खा रही थी और
उससे मेरे को और भी दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी बीपी की वजह से, और थायराइड था, तो एक ही महीने में तो थायराइड क्योर हुआ, क्योंकि मैं एवरीडे यहाँ आती थी उस महीने में, और ठीक 3 तारीख से 3 तारीख की रिपोर्ट मैंने लेके आई हूँ और दिखाई थी मैंने मैम को, तो मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट थायराइड के अंदर बिना गोली के मैंने उसको बिल्कुल क्योर कर दिया है। बीपी के लिए मैंने 3 महीने से कोई टैबलेट नहीं लिए, जबकि मेरा हमेशा रिपोर्ट रहता था कि डाउन वाला जो है वो हमेशा 100 रहता, और 100 रहना बहुत बड़ा एक खतरे का काम होता है, जो मेरा कभी भी कम नहीं हुआ, मतलब दवाई लेके कम नहीं होता था 90 और 100। जब मैं जाती थी तो हमारी आर्मी में एक डॉक्टर है, वो हमेशा कहती है मैं तुम करती क्या हो, तुम इतना हंसती हो फिर भी तुम्हारा ये नीचे वाला क्यों नहीं डाउन हो रहा है, बीपी इतना क्यों है, तुम्हें सोचना चाहिए बच्चों के बारे में। अभी दवाई खा के भी मैं क्या सोचूं, अब दवाई खा रही हूँ तो अब ठीक करो फिर दवाई से, लेकिन नहीं हुआ उससे भी। मैं जब यहाँ आई तो उसके बाद में मेरा सारा जो रिकॉर्ड रहा है वो 86 पे आ गया, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं कम से कम यहाँ आके सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने वो लिया बीपी का, नहीं तो 100 जिसका रहता है उसको किडनी जाने के लिए पूरा चांस रहता है। दूसरा HDL और LDL, HDL आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना चेक कराइए और उसके बाद में उसके फिर 3 महीने बाद में बेनिफिट देखिए, अपने आप आपको पता चलेगा कि योगा आए हैं तो उसका क्या बेनिफिट आपको मिला है, क्योंकि जब तक आप लिपिड प्रोफाइल नहीं चेक करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आपका कितना क्या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, क्या है क्या नहीं है। तो हमेशा मेरा LDL हमेशा ख़राब रहता है, और LDL ख़राब है मतलब आपको कभी भी क्या अटैक आएगा वो आप ही जानते हैं, तो उसके लिए मेरा जो LDL है वो पूरा लेवल में आ गया है, HDL मेरा बढ़ गया है, 40 तक HDL आ गया है, तो अभी भगवान के ऊपर है कि इतना अच्छा हो गया और सारा मैम की वजह से हुआ है। तो आगे आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप आइए और 10 लोगों को और लेके आइए, धन्यवाद। थैंक यू। एक्चुअली हमने क्लास लेक्चर नहीं हो पाएगा, मैंने प्रिपेयर किया था लेकिन टाइम कम था, जैसे मैं योगा क्लास आई हूँ मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ है। अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी एक मंथ पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है 120-80, मगर अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, इसकी वजह से मैं मेडिसिन बंद नहीं कर रही, मगर निजी का ट्रीटमेंट चल रहा है 3 साल से, मैं कोई भी मेडिसिन अभी बंद नहीं कर सकती, फिर भी मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, और डॉक्टर भी बहुत खुश हुए कि मेरा बीपी बिल्कुल ठीक हो गया है और मेरा बॉडी फैट बहुत कम हुआ है। और मैंने जैसे यहाँ आई हूँ तो मैंने शुगर खाना बिल्कुल बंद कर दिया है, और सभी को इंटरनेशनल योगा डे पे मुबारक हो, और इसी आपको बहुत मुबारक। थैंक यू। जो मुझे हाफ है, हम सभी को हेल्थ प्रॉब्लम चाहते हैं, सबसे बड़ा रीज़न हेल्थ प्रॉब्लम का है लाइफस्टाइल, जो आपका लाइफस्टाइल हो गया है, लेट सोना, लेट उठना, आपका जो फूड का जो सिस्टम हो गया है, नेचुरल फूड से दूर रहना, लाइव फूड से दूर रहना, प्रोसेस और जंक फूड की तरफ जाना, ऑप्शंस क्या रहती है हमारे पास। आप योगा की तरफ नहीं जाते, अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारते, आप सिर्फ एक बात सोचते हो, एक गोली ले लेते हैं, उस पॉपअप एक मेडिसिन ले लेते हैं और आपको लगता है ये नॉर्मल चीज़ है बिल्कुल। एंडी क्यों मैंने सिर्फ 2 मिनट लूँगी, मैं 2 मिनट चुप हो जाएंगे, आपको ऐसा लगता है कि मेडिसिन लेके सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्यों ऐसा लगता है आपको ठीक हो जाएगा, क्यों? आपके फ्रेंड्स भी यही करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स यही करते हैं, आस पास सिर्फ अपने आप को सिर्फ ऐसे ही लोग दिखते हैं, ब्लड प्रेशर है नहीं, योगा तो मुझे नहीं पता, सुना है बेनिफिट होता है लेकिन मैं मेडिसिन लेता हूँ, मेरा नॉर्मल है। आपको लगता है डायबिटीज़ का ब्लड प्रेशर की रीडिंग नॉर्मल आना इज नॉर्मल, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो मेडिसिन आपकी बॉडी में क्या करती है। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं वो आपकी बॉडी में क्योर्स क्रिएट कर देती है, एक ऐसा होता है ना कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, लीवर, किडनी, ब्रेन एक हारमोनी में म्यूजिक से फ्लो करते हैं। आप जैसे ही मेडिसिन लेते हैं हलचल मच जाती है आपकी बॉडी में, कि नहीं 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 नहीं, किडनी पे प्रेशर डालो, लीवर पे प्रेशर डालो, इसको पकड़ो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। अब एक सिंपल मेडिसिन लेते हो शुगर की, मेटामॉर्फिन, वो लीवर पे अटैक करती है, लीवर को बोलती है ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखो, शुगर लेवल मेंटेन करके रखो,
आपका लीवर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि लीवर को आप टॉर्चर करते रहते हो। क्यों? आप मेडिसिन ले रहे हो, अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधार रहे। उसके बाद क्या होता है, आप उसके स्ट्रांग मेडिसिन चाहिए होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर ये काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, एक और मेडिसिन बनाई हुई है हमने, वो आपको सल्फो यूरियस देते हैं, उससे क्या होता है पेनक्रियास पे हिट करता है, वो क्या करता है पेनक्रियास को, इंसुलिन प्रोड्यूस करो, टॉर्चर। उसके बाद क्या होता है, पेनक्रियास काम करना बंद कर देता है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहते हैं ओके आपके पास इंसुलिन इंजेक्शन ले सकते हो, सो व्हाट, इंसुलिन इंजेक्शन दे दो। आप इंसुलिन इंजेक्शन लेते हो, आपकी पूरी बॉडी में कुछ पेनक्रियास के सेल्स डैमेज हो गए हैं, आपकी बॉडी में पेनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद भी आप इंसुलिन को रेगुलेट, आप इंटेस्टाइन को रेगुलेट करने की मेडिसिन लेते हो, जिससे कोलोन कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। बहुत लोगों को डायबिटीज के लेटर स्टेजेस में गैंग्रीन हो जाता है, 15-20% को ब्लाइंडनेस हो जाती है, गैंग्रीन पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं कि गैंग्रीन क्योरेबल नहीं है। गैंग्रीन मतलब आपका ब्लड सप्लाई नहीं है, यहाँ नर्व सप्लाई नहीं है, आपका आधा पैर काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, उसको काटना पड़ता है। पूरे वर्ल्ड में आपको सिर्फ यही बोलेंगे गैंग्रीन इज नॉट क्योरेबल, यू हैव टू कट ऑफ योर लिम्ब, आपको पैर काटने ही पड़ेंगे। आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक साल पहले मैं बोलती थी, आप मुझे बिलीव नहीं करते थे, ठीक है, क्रेजी गर्ल। गैंग्रीन का एग्जांपल मैं देती हूँ, वासुदेवा सर, जब वासुदेवा ने सर ने ज्वाइन किया, उनका ये पूरा पैर ब्लैक था, ये लेटर स्टेजेस में अपने डायबिटीज के। अगर वासुदेवा सर यहाँ ज्वाइन ना करते तो उनका बस पैर कट चुका होता है। वासुदेवा सर योगा भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, ये सर जस्ट कैन यू रेज योर हैंड, इज अ वासुदेवा सर। अगर गैंग्रीन क्योरेबल है, डायबिटीज क्योरेबल है, क्योरेबल कंट्रोल नहीं, क्योरेबल बॉडी में, आप योगा ऑफ कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप लाइव फूड की तरफ जाइए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि कोई डब्बे में चीज जो पैक है वो आपको सारे विटामिन मिनरल देंगे? आप क्यों स्पिनिच को नहीं खाते, आप क्यों धनिया नहीं खाते, क्यों गाजर टमाटर नहीं खाते? आपको क्यों लगता है किसी पैकेट में कोई चीज़ है वो आपको सब कुछ दे देगी? आप लाइव फूड की तरफ जाइए, आप नेचर में आके योगा कीजिए, आपका माइंड खुद रिलैक्स हो जाएगा। मैंने सुना है, हाँ बोलते हैं लोग स्ट्रेस बहुत है, सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, योगा आपको रिलीज करता है, रिड्यूस करता है। अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, अपने ब्रेथ से कनेक्ट कीजिए, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेडिसिन मत खाइए फ्रेंड्स, प्लीज अपनी लाइफ को सेव कीजिए, प्लीज लोगों को समझाइए मेडिसिन खाना सोल्यूशन नहीं है। अपनी बॉडी को टॉर्चर करके सिर्फ पैरामीटर्स नॉर्मल लाना, आप में से कितने लोग ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते हैं, कितने साल से ले रहे हो गया आपका ब्लड प्रेशर क्यों? कंट्रोल करके रखना, रीडिंग नॉर्मल रखिए, क्यों नहीं क्योर हुआ इतने सालों से मेडिसिन ले रहे हो जाना चाहिए था ना, क्योंकि आपने अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे काम नहीं किया। आप एक केमिकल पे बिलीव कर रहे हो, ये केमिकल आपको ठीक कर देगा, सब कुछ केमिकल कुछ ठीक नहीं कर सकता। अपने ऑर्गन से कनेक्ट करो।